लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता की भैया, ये जागरण करने बहुत बड़ा स्वागत है, सेवा कीजिए जी। 200 काट दो। जय माता की, आइएगा। हाँ जरूर। जय माता की। जय माता की। तुम्हें 400 रुपए। थैंक्स। गाना तो अच्छा गा लेती है बिटिया। राज जी, आंटी जी, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। अरे पूछना क्या है, रितु की प्रोफाइल तो मैंने भेज ही दी थी, और राज बेटा ये वीडियो तो मैंने तुझे भेज ही देनी है। आराम से बैठ के देखना और तभी कोई डिसीजन लेना, है ना जयदेव? हम भी सज्जन आदमी, टाइम से घर पहुंच जाए अपने। ए गट्टू, मैंने पहले ये बता, ये बिन्नी कौन है? बिन्नी तौशी। तुझे बिन्नी मोहब्बत है? मोहब्बत है, मोहब्बत है। कौन सी छोरी है या है के? अंकल अंकल जी, इधर। वो कौन सी है, किधर? वो कौन सी? अंकल जी कहाँ? वो येलो सूट वाली। येलो के या छोरी है? जब यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा ना, मैं फोन करके बुला लूंगा। चलो निकलो भैया। नहीं भैया, आप प्लीज प्लीज निकल, शोर ना मचाओ, जाओ। कहने को तो राखी भाई बहन का त्योहार है, पर हमारे यहाँ नौजवान लौंडों को भाई बनाने की चाल। कंजूरिंग से ज्यादा डर लगता है भैया कि मोहल्ले की लड़कियां या उनके घर वाले हमें किसी मोहल्ले की लड़की का भाई ना बना दें। इस चक्कर में सुबह 5 बजे उठकर घंटाघर में छुप जाते हैं हम सब लौंडे। पर बुरी खबर आने में देर थोड़ी लगती है। ये देखो, एक और लौंडा शहीद। क्या हुआ भाई? एक बुरी खबर। सांस ले ले, सांस ले ले। पूरा भाई, एक बुरी खबर, 4 लौंडे शहीद हो गए। और गट्टू, वो तेरा महेश रिस्की सांड, उसकी तो बैंड बज गई यार। बैंड बज गई? किसने बजाई? तेरे मोहल्ले वाली, वो बिन्नी अरोड़ा। और ये आ गए, हर साल सूली चढ़ाने वाली बिन्नी अरोड़ा। ऑटो का छुट्टा क्या कि जाने दो। अरे पार्टनर साहब, शर्मा जी आइए आइए आइए। मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। जाने कैसे दू, पहले बता तू क्या लगता है रितु का? कौन रितु, कैसी रितु? दादी लंबी लंबी फेंक रहा है, मैंने खुद देखा है, टोंगों से घसीट कर लेके आई उसको। जरा रितु को बुला के ला, पता लगेगा वो रितु कौन है। मैं कुछ नहीं लगता हूँ रितु का। दादी के साथ झूठ बोलता है निकम्मे, क्या समझता अपने आप को? बहु जरा थाली लेके आओ। आओ जी। हेलो, ये ले बांध इसको, राखी। चलो बांधो। अरे रितु क्या कर रही है रितु? नहीं बांधो बांधो चल, मुँह मीठा करा। ये बात, मिठाई तो खा ले। बधाई हो जी, बधाई हो। ले जाओ इसे, आज के बाद नजर मत आना, हूने तेरी पहन है। चल चल
ये तू ना चाहिए क्या बिन्नी? चल चल। नॉट यार अंकल, ये तो ऋतु का था, मेरे भी तीन है। तू राख ही निकाल के रख। मैंने महेश से पूछा भी था कि क्या लगता है तेरा, पर उसमें हिम्मत ही नहीं हुई जवाब देने की, चुपचाप बैठा रहा। हिम्मत से याद आया, हिम्मत तो तेरे दादाजी में थी। अंग्रेजों को दहाड़ के बोलते थे, अगर मेरी डॉली मेरी ना हुई तो मैं ना लंदन में आके आग लगा दूंगा। तेरे दादा ना चीता थे, चीता। दादी मेरा भी आएगा चीता, एकदम दादाजी जैसा। मैंने खुद देखा है इन लड़कियों को, कभी किराने वाले के यहाँ, कभी सब्जी मंडी में, कभी वहां गुप्ता मार्केट में। पूरा मोहल्ला जानता है महेश से पहले दो थे। मैं तो कह रही हूँ बहुत छूट दे रखी है इन्होंने अपनी लड़कियों को। सारा दिन अंग्रेजी गाने सुनती हैं, फोन पर गिटर पिटर बातें करती हैं। मैं तो कह रही हूँ जयदेव को फटाफट लड़का ढूंढ के ऋतु के साथ साथ बिन्नी की भी शादी कर देनी चाहिए, वरना देख लेना ये बिन्नी भाग जाएगी मोहल्ले के लड़के के साथ एक दिन। ऐसा ना बोलो, अरे मोहल्ले की लड़कियां माँ बहन होती है ना गट्टू? पूरा मोहल्ला खराब। जब भगवान ने हमें बहन नहीं दी तो हम क्यों बहन बोलेंगे बिन्नी को? बिन्नी अरोड़ा हमारे निक्कर के जमाने की मोहब्बत। ये नॉर्मल पटाखा नहीं है, फायर ब्रांड है। हर दिन स्कूल जाते गुद खोली है उसकी। बचपन में घर घर गुड़िया गुड़िया सब साथ में खेला है। हाफ टाइम में क्रिकेट कम खेलते थे, उसके होमवर्क की कॉपियां ज्यादा बनाते थे। हर नवरात्रों पे कंचकों में भी बैठ लिए उसके घर, पर अपने दिल की बात कभी नहीं बोल पाए। भाई बनाने की बीमारी है यहाँ सबको, पर हमारी उम्र भाई बनने की नहीं है, प्यार करने की है। और हमने भी बिन्नी का नाम का टैटू नहीं गुदवा लिया ना, तो हमारा नाम गट्टू नहीं। अरे ठीक से करा ले, दूध ना पिया इसने। बुरे भेज दे गया फ्रेंड रिक्वेस्ट। बिल्कुल भेज दो भाई, बिल्कुल। भाई ना बना ले, कोई भरोसा नहीं एक तो। अरे भाई प्यार में डर का कोई काम ना है, जो बिन्नी मेरी रियल बहन होती ना तो कब का मैं तेरा साला बन जाता ईमान से। अरे पकड़ पकड़ बॉल पकड़। अरे फाउंड में ही घुसा रहा है तू। ठीक है कोई नहीं, कितने बनाए उन्होंने? 50 बोल रहे हैं। ठीक है बैटिंग है भाई, देख लेंगे। वो देख भाई साढ़े का नाम लिया तेरा साला आ गया। अच्छू कट्टू भाई आज मैं भी खेल लूं। खेल लूं? अबे कैप्टन हो तुम आज से? सच्ची बोल दिया एक बार। अच्छा बाप तो तुमसे अगर सलाह वाला लेनी होगी तो तुम्हें कैसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे ना? नंबर दे दो अपना। कट्टू भाई आप भी, मेरे पास मोबाइल कहाँ है? अरे हाँ तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आएगा? दीदी का दे दो, दीदी का दे दो। गट्टू भाई जिंदगी का पहला सूट, दीदी का नंबर किसी को नहीं देता। दीदी का नंबर है, एटीएम पिन है, किसी को नहीं दोगे फिर कैसे देंगे मैसेज तुम्हें? भैया असूल तो असूल है, बदला तो बता दूंगा। बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के असूल है तुम्हारे। चलो कोई नहीं, ठीक है जब ऑफ कर लो। गट्टू भाई भाई झंड होगी तेरी तो। पूरे तुम मत मजाक उड़ाओ अभी। आओ चलो आओ, मैच तो जीते पहले। भाई अब तो कबूतर जाली चिट्ठी लिख के और फेंक दे खिड़की पे, फिर देखी जाएगी बंदे की बंदा किन। आइडिया तो अच्छा है, पकड़े गए तो क्या बिना नाम के चिट्ठी लिखा क्या? भाई फिल्मों में ऐसा होता होगा, रियलिटी में चिट्ठी पढ़ते वक्त लिखने वाले की फोटो ना दिखे। बुरे पहले दिल की बात पहुंचा देते हैं, फिर नाम भी पहुंचा देंगे। चलो सब बढ़िया। चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, मैं, अरे क्या हो गया? गट्टो बिन्नी के घर जा। कहाँ? बिन्नी के घर जा।
दादी की तबीयत खराब है, जा बेटा आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे कुछ कुछ पता नहीं, अचानक से चलती चलती गिर पड़ी हूँ। दादी दादी क्या हुआ दादी, दादी कुछ तो बोलो दादी, दादी उठो ना दादी। गट्टू, अरे गट्टू यहाँ, ये देख दादी को क्या हुआ, जरा हवा दे, हवा दे ना। अरे हाथ से क्या दे रहा है, मुंह से मुंह वाली दे, मुंह से मुंह वाली हवा दे, मुंह से मुंह से मुंह वाली हवा दे जल्दी। हाँ दे, गट्टू हवा दे जल्दी दादी, दादी अरे वो मुंह से मुंह वाली हवा दे जल्दी। हाँ, हवा तो भल्ले, जल्दी दे ना हवा। दादी दादी दादी, अरे गट्टू क्या कर रहा है तू, बिन्नी को क्यों देख रहा है, दादी हवा, को देख, हवा दे रहे, क्या कर रहा है भाई तू, वो मुंह से मुंह वाली हवा दे ना। आइए डॉक्टर साहब। अरे गट्टू क्या चुम्मा चाटी कर रहा है, उठ अब डॉक्टर को चेक करने दे। हम तो डॉक्टर साहब आप चेक कीजिए, बेटा धैर्य रखो, दादी शांत रहो। आई एम सॉरी मिस्टर लोटियाल, शी इज नो मोर। आप अपने रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए। बेंजी बेंजी रोइए मत, रोइए मत, वो जयदेव कहाँ है? जयदेव जयदेव तो मेरठ गया हुआ है तीन दिन के लिए, तो उसे बुलाना पड़ेगा। देखो आप चिंता मत करो, अच्छू देखो अपनी माँ को संभालो, रितु तू मेरे साथ रहे, हाँ सब रिश्तेदारों को बुलाना है, और डॉक्टर साहब ये डेथ सर्टिफिकेट है मुझे, आप किसी को क्लिनिक भेज दीजिए। भाई जी संभालिए अपने आप, हम हैं ना, हाँ भगवान जाओ बिनी। कट्टू मत जाओ, डर लगता है। ये रात कभी ना खत्म हो, तुम हम और दादी की लाश जुगो जुगो तक ऐसे ही रहें, और बस हम तुम्हें देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। पूरे पूरे पूरे, अरे गट्टू कहाँ है यार, चल मैच खेलने चले। पागलों के पे मैच कैंसिल, बिंदी की दादी गई। मारी दादी मरी थी तो बड़े गीता के पार्ट दे के मैच खिलवाया था तने। समझा करो बे भूरे, यही तेरा दिन है बिन्नी के पास आने के, तुम संभाल लो बे। चल ठीक है, लेकिन इस बार फतेह करके आई हो। तुम मैच जीत के आओ, ये हम फतेह कर लेंगे। तुम चलो चलो चलो। चल देख तू, अरे टेंशन ना ले। देख जी अपा, ये सारी लिस्ट मैंने बनाई है, वो सामान सब ले आओ। हाँ जी, लेकिन ये इतना सारा सामान तू अकेले कैसे लाएगा, एक काम कर बिन्नी बहन को साथ ले जा बाजार। 4 बजे कटो, वापस घर चलो, 400 रुपए कम पड़ गए। अरे एक सेकंड। क्या है? एक सेकंड। अरे इसको मैसेज भेजो। माता रानी की पर्चियां काट काट के बहुत पैसे कमाए जीवन में। 2 मिनट। हाँ? जय माता की भैया। जय माता की भैया। भैया जागरण कराने बहुत बड़ा, थोड़ी सेवा कीजिए। ठीक है भैया, काट लीजिए। कितने का काट दें? 200 काट लीजिए। 200 का काट दें। आइएगा। बिल्कुल। जय माता की भैया। जय माता की। जागरण करने बहुत बड़ा, 200 की सेवा कीजिए जी। 200 काट दो। जय माता की। आइएगा। हाँ जरूर। जय माता की। जय माता की। तुम्हें 400 रुपए। थैंक्स। किलो 400 रुपए, सामान पैक कर दो। हाँ अभी तो सामान बांधने में लगेंगे ना, 10-15 मिनट। पिनी तुमने भी कुछ खाया नहीं है रात से, है ना? चाय बिस्कुट खा ले। चाय बिस्कुट खा ले। हाँ 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 चल। दो बनाई भी स्पेशल वाली। अच्छा बिनी, हमें ना
बहुत दुख है हमें दादी के जाने का, सॉरी। पर बिनी हम खड़े हैं 13 दिनों तक, तुम घबराना मत, हम रहेंगे। अच्छा क्रियाकर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिया, हाँ वो। तू तो 10वीं में 2 बार ही फेल हुआ था ना? नहीं नहीं, 2 बार नहीं हुआ, हम एक बार ही खाली कंपार्टमेंट आई थी। ओ हाँ, पर यूपीएससी का एग्जाम दिया इस बार हमने। अच्छा अभी? तुझे तो कॉलेज छोड़ के 2 साल नहीं हुए। हाँ पिछले साल तक तो हम आईएम ट्राई कर रहे थे ना। हाँ पर तुम्हें तो पता है ना बिन्नी, आजकल ये प्राइवेट का कोई भरोसा तो है नहीं, है ना? अच्छा सुन, मेरा फेसबुक पोस्ट। माय डियर ऑल फ्रेंड्स, आई शेयर अ ग्रेट सैडनेस न्यूज विद हैवी हार्ट एंड टीयर्स। आई राइट दैट दादी एक्सपायर्ड, कम वन कम ऑल, एट 4 PM इज द होली फ्यूनरल टुडे, नीड सपोर्ट एंड विशेस फॉर मेंटल एंड इमोशनल एंड दादी इज पीस इन हेवन फ्रॉम बिन्नी अरोरा। ठीक है, बेस्ट है बिन्नी, पोस्ट कर दूं क्या? एकदम एकदम। अच्छा बिन्नी, हम क्या सोच रहे हैं, हम भी तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दें फेसबुक पे, तो हम भी शेयर कर लेंगे ना, फिर थोड़ा ज्यादा लोग आ जाएंगे। हाँ भेज दे, भेज दे। हाँ चल चाय पी ले। क्या सही टाइम पे पूरी हुई है दादी भी, दादी की कहानी खत्म और हमारी कहानी शुरू। चाहे दे यारा खुशियाँ, हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं, हो उफ तक ना यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हाँ रहूं तेरा हो के रहूं, हो तेरा हो के रहूं, हाँ रहूं तेरा हो के रहूं। चाहत है तू, चाहत है तू, आँखों में ख्वाब है जो वो ख्वाब है तू, ख्वाब है तू, मेरी रूह का जो सुकून, मुझ पे है तेरा जुनून। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझ में रहूं, ओ उफ तक ना यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हाँ रहूं तेरा हो के रहूं, ओ तेरा हो के रहूं, हाँ रहूं। बुरे तुम्हें होना चाहिए था वहां पे, कसम से यार, दादी को ना ऐसे चंदन की लकड़ियों में चलाया। क्या बात है वाला तुम्हारा गट्टू नौटियाल भाई, एक एक रिश्तेदार, एक एक रिश्तेदार, बस गट्टू गट्टू गट्टू, ये कर देना गट्टू, वो कर देना, मतलब पूरे मोहल्ले में ऐसी बारात नहीं आई कि किसी की, जैसे दादी का हमने शौक बनवा दिया। तुम्हें होना चाहिए था पूरे। अरे वो थोड़ा बल्क ऑर्डर आ गया था, नेक्स्ट टाइम शादी में शादी में तो नाचेंगे। बस 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 बस
भाई आज तो हक बनता है हमारा। आज तो हक से खड़े होंगे भुरे। बिल्कुल भाई। अरे सुन सुनो, तुम्हारी बैग ले गया मैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर कर लोगे ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओए आ गए, ओए भाभी आ गए, आ गए। चलो चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सेम थिंग। हाय बस। हाउ आर यू बिनी? वो जी पड़ोसी है यार। क्या बैठ बैठ, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। बैठ आ बैठ। गट्टू भाई चंड हो गई, बंदे की बंदा की नहीं। गट्टू भाई पूरा प्लान कर लिया, मैं ओपनिंग पे जाऊंगा आ तीसरे पे और बुरा भाई ग्यारहवे पे। करवाई तुम्हारी प्लानिंग बगैर से? गट्टू भाई आज किसे बात कर रहे हो? बनवाए तुम्हें कैप्टन? बैट पकड़ना आता नहीं कैप्टन बनेगा। जिंदगी का दूसरा असूल बेइज्जती बर्दाश्ती होती है, मेरे से सोच लो। ब्रुश को लेके जाओ यहाँ से, हमारा कहीं का कहीं निकल जाएगा। अरे निकलो तो मज्जू, सूत आ जाएगा नहीं तो आज तो। सोच लो भैया। ठीक है भाई। मतलब पूरा सेंट हमारी नाक में घुसा हुआ था, इतनी पास से गुजरी थी हमारे। ठीक है भाई, आशिकी है, होता है। अच्छा आ जा, चल आ जा। आए नहीं तुम जाओ। अरे अरे जाओ नहीं, ठीक है जाओ। ओपनिंग करोगे तुम? नहीं करनी हमें ओपनिंग, जाओ तुम। ओए अच्छू, लाइफ की ओपनिंग होनी रही है, ओपनिंग कर लो यहाँ पे। गट्टू अज्जू क्रिकेट खेलेगा। आंटी। गट्टू अज्जू क्रिकेट खेलेगा। खेलेगा जी, आपने बात कर ली, अज्जू खेलेगा। बिन्नी अज्जू को तो कैप्टन बना दिया हमने। बहुत बड़ा एहसान किया तूने। गट्टू सुन, मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। अभी अभी दादी की डेथ हुई है और रितु की शादी भी करानी है। सुन सुन, ये जो तू सोच रहा है ना, प्लीज अपने दिल से निकल दे। बाय। बिन्नी बिन्नी, हम कितना काम किया हमने दादी के मरने पे, भूल गई तुम? हाँ, और सबने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी ना अपने हाथ से, हम खड़े थे वहाँ। चार दिन क्या मदद की कि सर पे चढ़ जाएगा? राखी बांधू क्या? आज राखी बांध के तेरा दी एंड करती हूँ, तू इधर ही रुक रुक। बिन्नी बिन्नी क्या है? हाँ तुम एक काम करो, तुम ना बांध दो राखी, तुम खत्म करो रिटर्न टाई, हमारी भी इतने साल की मेहनत बेकार जा रही। तुम ले आओ, तुम ले आओ, बांध दो। लगता है तूने पहली बार ही किसी लड़की को प्रपोज किया, इसीलिए छोड़ देती हूँ। पर गट्टू ये प्यार व्यार के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बहुत हिम्मत है हमें। बिन्नी बताओ क्या करना है। अच्छा हम ना हम आज रात को ना तुम्हारे घर के बाहर खड़े रहेंगे पूरी रात। चल चल नंगे पाओ बिन्नी, बाय, देखने आ जाना। ये चप्पल गए कहाँ? बैंक में गया था, मंदिर तो मैं गया नहीं। पापा ये आपके लिए दही पता चलाएं शुक्ला के। हाजमा खराब है मेरा। पिछले दरवाजे से तो आया नहीं, पापा वो अपना ज्यादा गुस्सा मत होना, हमने ना डिसाइड कर लिया है, हमने ये पीछे ना यहाँ से बड़ा सा टैटू खुलवा रहे हैं यहाँ इधर। क्या टैटू खुदवाना है तुझे? शाहरुख खान बनेगा? लगता है बहुत दिन से बाहर खड़ा नहीं हुआ तू। एक तो लोग वैसे ही बातें बना रहे हैं, लड़का कुछ काम दाम करता नहीं है, कोई काम ढूंढेगा कि खाली धूल उड़ा रही है? पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा आईएएस ऑफिसर बनने वाला है तू, टैटू नहीं गुदवाते आईएएस ऑफिसर। मम्मी टैटू तो हम गुदवाएंगे, आप 5,000 की बात है, दे दो ना 5,000 रुपए, हो जाएगा। 5,000 रुपए? देखे भी है 5,000 रुपए होते क्या है? 5,000 रुपए 24 घंटे खाली घूमना बस। अरे लखनऊ की सड़कें भी तुझे देख के ना अपना रास्ता बदल लेती है। 5,000 रुपए मोगन के लड़के को देख, फौरन जा रहा है और तू क्या कर रहा है? यहाँ तो सब ऐसे रहते हैं जैसे बिग बॉस का घर हो। अरे किसी को पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब क्या ढूंढ रहे हो? अब आप चप्पल ढूंढ रहे हैं हमारी, सुबह से नहीं मिल रही। अरे रखी होगी वहाँ बिस्तर के नीचे। वही वही पहले देखा मैंने, नहीं मिल रही है। पापा वो नीली वाली चप्पल तो और कौन सी होगी?
वो तुमने भूरा को दे दी ना, वो उसकी चप्पल टूट गई थी। चप्पल दे दी? हाँ। भूरे को दे दी? हाँ। अरे तो अपनी चप्पल क्यों नहीं दे सकता था? तेरे और उसके पाँव में क्या हीरे चढ़े? मेरी चप्पल दे दी। काम का लड़का होता ना तो हर हफ्ते नई चप्पल दिलवाता अपने बाप को, और ये चप्पल दे दी। तो आप भी काम के होते तो देते ना पैसे टैटू गुदवाने के? हम इसे डांट खाते रहते हैं बस हर दिन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो चप्पल क्यों? मेरे कपड़े भी दे दो ना भूरे को, नंगा नंगा घूमूंगा मैं लखनऊ की सड़कों पे। जा नंगे, खड़ा हो जा। अरे खड़ा हो जा, बाहर निकल, यहाँ खड़ा नहीं रहेगा तो जा बाहर, बाहर जा। हाँ आता तो ठीक है ना, जा रहे हम बाहर, बाहर रहेंगे पूरी रात। जा बाहर ही जा। नहीं 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 ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। और दम है ना तो बाहर बताना पूरी रात। हाँ हाँ, हम क्यों आए? हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे नहीं खाना खाना, निकल सारी, जा रहे हैं, खड़ा रहे। नहीं रहना आप लोगों के साथ, ये तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से है ये? अरे तो क्या, लड़का मानता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? डरता हूँ? और ये सलाद कौन काटेगा है? सारा कुछ हम ही करें भाई। मैं काटता हूँ सलाद। पानी मिला था, कल से मत आना। क्या मैम साहब? चल निकल। स्टूपिड। मीठा वाला देना। एक हमारे लिए बनाना। अगला वाला तीखा देना। हमें भी तीखा खिलाइए। हे, मुझे देना पहले, मैं पहले से खड़ी हूँ कि नहीं? अरे तो हम भी मुफ्त में थोड़ी खाएंगे बिन्नी, पैसे देंगे। तुझे क्या लगता है कि तुम पुराने फिल्मों के हीरो रात भर बाहर खड़ी रहोगे और मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? वो बेवकूफी होती है, हिम्मत नहीं। बिन्नी क्या है? एक सेकंड साइड में ना बात करनी है। क्या है? पड़ोसी के नाते आज ये बात करनी है। एक सेकंड। बिन्नी हमें भी ऐसे पीछा करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंडे हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं। पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। सिर्फ कोने में फुसफुसाने की आदत है या कुछ हिम्मत है तुझ में? जो मर्जी करा लो बिन्नी, खड़े हैं। चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो बिन्नी? ये बिन्नी मरवाओ की तू? तुझे प्यार करना है, जा प्यार फैला। बिन्नी डोले देखो, उसको दबा दे। जाओ। अच्छा जा। Come on. गट्टू मुझे भागने वाले पसंद नहीं, कुछ करना है तो ठीक से कर। तुझे प्रपोज करने का शौक है ना? देख इतनी लड़कियां, जा। क्या? प्रपोज कर। जा जा। किसे? अरे बिन्नी। मरवाओ। ठीक है। अच्छा ठीक है। तुम मरवाओगे तुम बिन्नी?
हम क्या सोच रहे ना? इट्स ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम। अरे मेरी 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 सुन हम क्या सोच रहे ना कि पार्क में लड़की को प्रपोज करना है ना, तो वहीं कर देते हैं। नहीं नहीं, प्रपोज कर देते हैं। बिन्नी 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 बिन्नी, अच्छा दोस्ती 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 तो कर लो। हाय पड़ोसी है, कितना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। ये सब छोटी मोटी बातें, हिम्मत का काम तो तुझे अभी करना है। मतलब इतनी परीक्षा है तो सीता जी के स्वयंवर में भी नहीं हुई होंगी जितनी तुम हमारी ले रही हो। जा जाके भैया से शादी की बात कर। और अगर कर ली तो फिर पीछे मत हटना। नहीं हटूंगी, पहले करके तो देखा। जाओ जाओ। नहीं नहीं देख रहा हूँ, हाँ सामने है ये क्लीन शेवन या अच्छा दाढ़ी वाला। हाँ जी बधाई जी, हाँ जी जय माता दी आंटी, थैंक यू। हाँ बोल। नहीं वो भैया कब तक ऐसे प्रोफाइल देखते रहेंगे ना, मतलब शादी करानी लड़कियों की। अभी वही तो कर रहा हूँ यार। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है। एक, एक, कौन है ये वाला? एक सेकंड। ओके हाँ नहीं नहीं देख ले। नहीं नहीं अच्छा है। और कुछ नहीं बस, तो चले हम। हाँ ठीक है। गट्टू ये तो चीटिंग है। अरे चीटिंग क्या? तुमने कहा था शादी की बात करनी है, ये थोड़ी कहा था हमारी शादी की बात करनी है। रेतु के लिए प्रोफाइल देखी जा रही नीचे। बिनी 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 तुम एक बार हाँ कर दो बस, हम भैया से क्या पूरे लखनऊ से शादी की बात कर लेंगे। हुआ है क्या नहीं खबर, पर कुछ तो है अलग मगर। मैं जानती न कुछ अगर, अगर बता दे क्या हो गया। फिर होना क्या है, मैं हूँ तुम भी हो, मेरे पास हो तुम पर गुम भी हो। मेरे आशकों की हो तुम वजह, मेरे होठों की हो हंसी। तेरी यादों में मैं यूं खो गया, खुद से जुदा मैं भी हो गई। तेरी यादों में मैं भी खो गई, खुद से जुदा कभी कहीं तो हम मिले, जहाँ कोई भी मिलता नहीं। है वही जगह वो रास्ते, पहले सा कुछ लगता नहीं। जाने कैसे नशे में घुसे गए हैं सवेरे, मिलते बेगानों से पर लग रहे हो तुम क्यों मेरे। समझाना चाहूँ मैं लफ्जों में तुमसे कह ना पाऊँ, तुम ही बता दो क्या होगा। फिर होना क्या है, मैं हूँ तुम भी हो, मेरे पास हो तुम पर गुम भी हो। मेरे आशकों की हो तुम वजह, मेरे होठों की हो हंसी। तेरी यादों में मैं यूं खो गया, खुद से जुदा मैं। गट्टू तुझे पता है हमारे ससुराल आमने सामने। हमें तो बचपन से पता है। कितनी लकी हूँ ना मैं, कभी ये मम्मी बुलाएगी कभी वो मम्मी बुलाएगी। बिन्नी बिन्नी हम भी तो बुलाएंगे बिन्नी।
ओए बिन्नी, ये क्या लगता है तेरा? तेरा क्या लेना देना? तो तेरा क्या लेना देना था बिन्नी? मेरी मोहब्बत को तो मेरी बहन बना दिया ना तूने। तुझ में हिम्मत नहीं थी, हिम्मत होती तो कुछ बोलता। उस दिन नहीं थी बिन्नी, आज है। आज मैं सबके सामने ना मैं बद्दुआ दूंगा तुझे। ये गट्टू भाई बनेगा तेरा, देखना। महेश, गट्टू हमें क्यों बजा रहा? आंटी कट रहा। आंटी की बंटी मैं नहीं कट पा रहा। गट्टू कट रहा। बंटी मैं बोल रहा हूँ, ये तेरा भाई बनेगा, देखना बस। गट्टू कट क्या रहे तू? जाके आंटी कट रहा। महेश, महेश तू भाई बन। महेश आंटी कट रहा हूँ मैं। बहन, हाँ क्या हुआ? वो गट्टू महेश के पीछे भागा है। महेश के पीछे क्यों? तू चल, मैं बताती हूँ। चल बैठ बैठ, कसके पकड़ के बैठ। आज ऑफिस से आते वक्त मार्केट में मैंने बिनी को देखा, भूरा की फटफटी के पीछे। भूरा? वो दूध वाला? टप्पी दादा का लड़का? जयदेव को बता दूं? नहीं नहीं नहीं, आप ही को गलत समझेंगे। इनकी तो लड़कियां बिगड़ी हुई है। अज मा दिया तुम मा पे गई आ, मा शीरा वाली आई है। सब मन्नत पूरी कर दे, मा भक्तों ने जोत जलाई है। चरणों में तेरे बैठे हैं, चरणों में तेरे बैठे हैं। सब दूर करे अब दुखड़े नू, बड़ा सोना सोना लगता है जब देखे मा तेरे मुखड़े नू। गाना तो अच्छा गा लेती है बुतिया। राज जी, आंटी जी, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। अरे पूछना क्या है, रितु की प्रोफाइल तो मैंने भेजी दी थी। और राज बेटा, ये वीडियो तो मैंने तुझे भेजी देनी है। आराम से बैठ के देखना और तभी कोई डिसीजन लेना, है ना जयदेव? आंटी जी। कट्टू, रितु का रिश्ता ऑलमोस्ट डन, अब अगली हमारी बारी है। अच्छा जी, बड़ी जल्दी है आपको शादी की? छत पार करके इस तरफ आ जाइए बस, जल्दी से। बस ये यूपीएससी में पास होती नौकरी लग जाएगी हमारी, फिर देखना तुम मोहल्ले की सबसे बड़ी शादी होगी हमारी। कट्टू पीछे देख, कट्टू पीछे देख। अरे जाइए अब, कट्टू नॉट योर लाइफ में कभी पीछे नहीं। अरे तुम कहाँ गई? 24 घंटे फोन पे चो बाबा, 24 घंटे नरेश हम बाप पे फोन करते। कहाँ चौचगिरी कर रहा है तू कौवे की औलाद? अपने आप को गाली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तू फेल हो गया। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया तेरा, अब कहाँ से मिलेगी वो लाल बत्ती वाली नौकरी? हर जगह नाक कटवाती दे रही। फोन दे, किसके साथ तू सुरेश बन के फिरता है? कौन सा है नरेश? दिखा 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 दिखा। पक्का फेल हो गया तेरी तो। तुम मैं किसी से डरती नहीं, ये ले खाना और दवा। कट्टू बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द इस बात का कि पापा ने मारा, इस बात का कि तुम्हारे सामने मारा। अब मैंने एक बात बताया तुम्हें, हमने ना कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब तुम हमारे साथ। हाँ मैंने भी कभी सोचा नहीं। लेकिन गट्टू, तुम्हें पिटते हुए देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तो पापा तो इसलिए पिट गए हम, वरना कोई हाथ नहीं ला सकता मैं। और क्या हो गया, साल फेल हो गए तो अगले साल फिर से ट्राई कर लेंगे। बिन्नी को जीतने वाला ना कभी फेल नहीं हो सकता। बिन्नी 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 बैठो ना थोड़ी देर। गट्टू अरे अच्छा, बिन्नी बिन्नी एक किस तो दे दो, ठंड है फ्रेंच वाली। शादी के बाद। अच्छा बिनी बिनी, अच्छा सुनो तो सही, अपनी खिड़की खुली रखना ना, तुम्हारी खुशबू आती रहेगी। ओए चीते। चीते Thank you.
नाम न ले उस नामाकुल का मेरे सामने, फेल हो गया यूपीएससी के एग्जाम में, यहां जूते घिस गए हमारे उसकी ट्यूशन फी भरते भरते। साहबजादे को टट्टू गुड़वाना है, क्रिकेट खेलना है, 24 घंटों फोन पे लगा रहता है। वो ठीक है अंकल जी, पर इस तरह मारना। पूत के पाँव पालने में से नजर आते हैं, लेकिन इसके तो पालने के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। त्रस्त आ गया हूं मैं उस पे। जी। अंकल जी बुरा ना मानिए, आपने 4-6 दिवालियां ज्यादा ही देखी है मुझसे, लेकिन इस तरह मारोगे तो जवान खून है, बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता जी। अरे भाई तो तू ही बता मैं क्या करूं। अगर आपको ठीक लगे तो मेरी जागरण मंडली में भेज दीजिए उसे। क्या है कि दिन भर पढ़ाई कर लेगा, रात को माता रानी का नाम ले लेगा, जितने पैसे बनते हैं मैं डायरेक्टली आपके हाथ में दे दूंगा जी। आप सोच लीजिए अगर आपको बुरा ना लगे तो। है? अरे उसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा। पड़ोसियों वाली नहीं, तूने तो परिवार वाली बात कर दी। नहीं नहीं। हाँ अब परिवार वाली बात तूने की है तो बड़े होने के नाते मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। हाँ जी बेटा, वो अपनी बिन्नी को मैंने भुरे के साथ देखा है। मैंने भी देखा है। हाँ? बताया तो आपको। हाँ तेरी आंटी ने भी देखा है। साथ मतलब भूरे के साथ? साथ भूरे के? गट्टो गट्टो सबने देखता होगा बाहर बैठे बैठे। गट्टो ये लो आ गया लाट साहब। पैर छुओ भैया के, पैर छुओ, उनके साथ काम पे लगना नहीं, है तुम्हें पैर छुओ। और अब सच सच बताओ, सब कुछ बता दो बिन्नी के बारे में उन्हें। चलो। क्या 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 पापा? भैया की बहन हुई तो तुम्हारी भी बहन हुई कि नहीं? बिल्कुल। बताओ बोल। गट्टू नमस्ते अंकल। नमस्ते भैया। नमस्ते आंटी। गट्टू चल मैच के लिए लेट हो रहा है। आंटी वो बिन्नी कैसी हो? हाँ ठीक आंटी। वो जमाने के लिए दही मिलेगी? गट्टू चल। हाँ ओए क्या प्रॉब्लम है मुकुट में? हैं मोबाइल देख रहे हो, काम कर रहे हो? वो माइक चेक करो, वहां पर पीपी आवाज कर रहा है। चलो टाइम पास हो रहा है। और इसको क्यों शिवजी बना रहा है? मंदीप कहाँ है? इसका पहला दिन है आज, इसको शिवजी क्यों बना रहा है यार? मंदीप कहाँ है? देख जी देखता हूँ। नहीं नहीं गट्टू बैठ, मैं तुझसे ही बात करने आया था गट्टू। 2-3 दिन से जरा परेशान हूं मैं। क्या क्या हुआ भैया? सच सच बता दे बिन्नी और भूरा का कब से चल रहा है ये सब? हमें नहीं बता भैया। ये भूरा वही है ना जो दूध देने आता था? कब से जम रही है इनकी दही दूध देते देते? हैं बता। दही भैया क्या? देख गट्टू जैसे अज्जू है, जैसी बिन्नी है वैसे तू है। भाई है तो हमारा है। भाई कहाँ? भाई नहीं है? नहीं हुआ। क्या हुआ भैया बताइए ना। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, सच सच बता दे भूरा और बिन्नी का कब से चल रहा है ये सब? नहीं बताएगा। मैं जानता हूं गट्टू बड़ा सीधा है तू, दोस्ती का पक्का है, तू नहीं बताएगा। पर ये जो तेरी चुप्पी है ना सब कुछ बता गई। ओ भूरा नहीं है भैया? नहीं 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 बस बस समझ गया मैं। अब तेरी गलती नहीं है, तू मन लगा के काम करना। ओके चल बच्चे। हाँ नप्पी दादा का बेटा और बिन्नी का अफेयर। भाई ये वही लड़का है ना जो घर पे दूध देने आता था, पर हमने तो उसे दूध लेना कब बंद कर दिया था। तब से जम रही है इनकी दही। आपको कैसे पता चला? गट्टू से। भाई अब ना ये सब चक्कर में ना
मेरी शादी का भाई बहुत बदनामी हो जाएगी। वही तो चिंता ना कर रितु, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इस बात की भनक किसी और को नहीं होनी चाहिए। जयदेव, सच सुनने में ना कड़वा लगता है। जब दुनिया बोलती है तो एक पड़ोसी होने के नाते हमें तो बुरा लगता है ना कि तेरी बहनें बदनाम है। अब बता, तुझे बोले तो कैसे बोले? अरे आप क्या बोल रही हैं आंटी जी? ठीक बोल रही हूँ मैं, इन्होंने खुद देखा है बुरे के साथ मोटरसाइकिल पर। अरे वो सब छोड़ो अभी बेटा, आजकल की जो जनरेशन है ना, वो माँ का नहीं मोबाइल का दूध पी पी कर पली बड़ी है, उसे लाइन में रखना पड़ता है। अब देख, तुझसे चार छह दिवालिया मैंने ज्यादा देखी है, इसलिए मेरी बात मान, कुछ मत कर। क्या है, आशिकी रेबेल मारती है जवानी में। एक फटफटिया पे अगर फेरारी का इंजन लगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, धुआं ज्यादा छोड़ेगी और सामने जो पेड़ होगा उसे जाकर टकराएगी। इसलिए तू सिर्फ नजर रख। नजर कैसे रखूं अंकल जी, अब दिन भर काम करूं या? अब देखो, कर दी ना तुमने पड़ोसियों वाली बात, अरे परिवार है हम। एक बार रितु की शादी हो जाने दे, फिर देखना पूरे मोहल्ले के सामने वो थप्पी दादा के लड़के को यहाँ लाके राखी ना बंधवाई ना, तो बड़ा भाई कहना छोड़ देना। जयदेव तू ना भोला है, तुझे समझ में नहीं आएगा, तेरी शादी नहीं हुई ना अभी तक। और एक बात याद रख, आज से बिन्नी के दो भाई नहीं हैं, तीन भाई हैं, तू, अज्जू और गट्टू। अज्जू घर के अंदर ध्यान रखेगा, गट्टू घर के बाहर। गट्टू, सौ बात की एक बात, मोहल्ले की लड़कियां बहन होती है। हाँ जी पजे। हाँ देखो गट्टू, बिन्नी पे आज से तुम्हें कड़क नजर रखनी है। हर सुबह कॉलेज तुम उसे छोड़ने जाओगे और दोपहर को वापस ले आओगे। और हाँ, वो भूरे से ना मिले उस बात का बहुत ध्यान रखना है तुम्हें, समझे? जयदेव, बिन्नी हर सुबह कॉलेज कब जाती है? 8:30। 8:30। देखता होगा ना, जानता है। अरे पटा लिया हमने भैया को, उन्होंने खुद बोला तुम्हें कॉलेज छोड़ के आने को। क्या काम शुरू करते, क्या किया तूने? बस कमाल है अपना आपको, तुम्हारे सारे परिवार के दिलों में घर बसा लिया गट्टू ने। गट्टू नजर लग जाएगी, तू बस भैया को हमारे बारे में बता, ठीक है? बिन्नी नजर वजर कुछ नहीं होती है, वो सही टाइम आते ही भैया को बता देंगे। क्या हो गया? तुम बस हमारी थी, हमारी रहोगी। दो दो खुशखबरियां लाई हूँ। पहली, रितु उनको पसंद आ गई है, यानी रिश्ता पक्का। जय माता दी। आप मुंह मीठा करिए आंटी जी। मुंह भी मीठा कर लेंगे। दूसरी तो सुन, उस दिन जो मौसा मौसी आए थे ना राज के, उनका बेटा है ना राहुल, फ्रांस में काम करता है जो, उसे अपनी बिन्नी पसंद आ गई है। उसकी प्रोफाइल भी तो भेजी थी मैंने तुझे। एक ही मंडप में दो दो ब्याह। आंटी जी वो बिन्नी तो पढ़ रही है, यही कहना चाह रहा है ना, तो फ्रांस जाके पूरी कर लेगी पढ़ाई, उसमें कौन सी बात है? सोच लो भाई, ऐसा अच्छा खानदान बार बार नहीं मिलता। नहीं आंटी जी, वो बात तो आप सही कह रही हैं, और खानदान भी बड़ा चंगा है जी। तो प्रॉब्लम क्या है? कल लड़के वालों ने आप सबको अपने गुरुजी के मंदिर में बुलाया है, दोनों को ले आना, चट मंगनी और पट ब्याह। अब करते हैं ना मुंह मीठा। हाँ जी। ला। तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना अभी। देखो यही मौका है हमारे पास जयदेव भैया के सामने थोड़ा इंप्रेशन जमाने का। उन्हें लेगा सब कुछ, सबको जमने संभाल लिया। और क्या कर लेंगे, वो राखी बनवाएंगे ना, बंधवा लेना भी। बंधवा लेंगे राखी, क्या दिक्कत है भाई, तेरी प्लानिंग बिल्कुल ठीक है। जाग जयदेव जाग। क्या है? सिर्फ बहने बदनाम नहीं हो रही है ना, सारा मोहल्ला बदनाम हो रहा है। आ गए बहन मेरी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भैया। अब देखो बेटा ये, अरे अंकल जी। साले मेरी बहन को फंसाता है तू, मेरी बहन को फंसाता है तू। चल बे। ये औकात क्या है तेरी? आज के बाद बिन्नी के आसपास भी नजर आया ना तो भूत बना दूंगा साले। तेरे पैसे भी लाए हूं, दूध के पैसे, ये ले बे, छुट्टा मेरा, इसे समझा दे गट्टू। हो गया तू बिन्नी के भैया, हाथ कैसे लगा दिया तूने? गलती कर दी तूने। चल, अरे मेरी माँ ने नहीं कभी हाथ लगाया। राजी राज साहब, तू जानता नहीं किसका बेटा हूँ मैं। ओए चल, डरता कौन है? पूरे शहर से दूध चाय बंद करवा दूंगा, फिर पीते रहना पानी में पत्ती घोल के। आप पी लेंगे। जयदेव गलती कर दी तूने, मैं दिखाऊंगा। आ जा, ठीक है तो आ जा ना।
क्या कर रहा है तू? इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। धप्पी दादा का बेटा है वो। सड़क तोड़ने के लिए लेकर आता यहाँ पे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। मालूम है, मालूम है। तू छोड़ बिन्नी को, रात तक कटेगा ये। अरे नहीं नहीं पूरे, कोई नहीं। अरे ये खानदान ही खराब है। शांत हो जा तुम, शांत हो जा, कोई नहीं, कोई नहीं, शांत हो जा तुम। अरे तू बोला राखी बांध दिया, राखी बंधवाने के लिए आओ, तू इन्होंने सूत दिया यार। भूरे हम बात करेंगे ना, भूरे बात करेंगे, तुम रो मत, रो अच्छा नहीं, रो मत। ठीक है तुम्हारे है? अरे क्या ठीक है, कान में पानी पानी पी 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 हो रहा है। देखो बड़े कान दिखाओ। नहीं नहीं कान ठीक है, कान ठीक है, कान पूछो कोई। तुम हम बुरे साला, तो हमारे बनना है ना, हमारे बनना है, सूद देंगे हम, मौका देंगे। अरे काट देंगे भाई, काट देंगे, काट देंगे हम बुरे। कोई नहीं, रो मत, बस बस, कोई बात नहीं, कोई। चलो बियर बियर पिलाएं तुम्हें? नहीं बियर नहीं पियेंगे, जूस पियेंगे, जूस पिलाएंगे। चलो बैठ, चलो चलो। ओए तू बताती क्यों नहीं, तेरा भूरे के साथ क्या चल रहा है? भूरे के साथ क्या चल रहा है मेरा? हाँ? देख बिन्नी, झूठ ना बोल। अरे भगवान, ऐसे दूसरों की दीवारों पे कान लगा के खड़ी रहोगी ना तो कान में चींटियां भर जाएगी। चुप रहना। ऐसे नहीं मानेगी तो एक तुझे। जी कर रहा अजय, और की करामा, तू देख रही ना क्या चल रहा है इसका? दादी की कसम खाती हूँ, मेरा भूरे के साथ कुछ नहीं चल रहा है। ओए दादी नु छड़, मेरी कसम खा, खा मेरी कसम। एक मिनट भाई, मैं तेरी कसम खाती हूँ, मेरा भूरे के साथ कुछ नहीं चल रहा है। देखा माँ, मुझे भी मार दिया। मोबाइल कहाँ है तेरा? तेरा मोबाइल कहाँ है? ये रहा भैया। अज्जू अपने पास ही रखना, देना मत इसे। ले जा अंदर। अज्जू बिल्कुल मत। हाँ निकाल, सिम निकाल। अभी तेरी शादी की बात नहीं हो रही है बेटा। मम्मी तोड़ दे, तोड़ दे इसका मोबाइल। तू चुप कर, तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। चुप, तू चुप, अज्जू तोड़। चुप सब, मेरी गल सुनो अब बस। देख बिन्नी, कल रितु की एंगेजमेंट है, तुझे भी लड़का देखने आ रहा है। अपनी बहन की दुश्मन ना बन प्लीज, रिश्ता पक्का हो गया है उसका। बिन्नी तू लड़का देखने चलेगी? तू क्या, तेरा बाप भी चलेगा। मां कहीं जाने मत देना इसे। बेटा तू, हाँ बोल। अच्छा तू भी चल, इसके मोबाइल का तो मंदीप फिर से नहीं आया, वापस आ जाओ। ठीक है गट्टू को बना दे। रुक जा, बोले चले जा रहे, सुन पीछे में। अरे क्या, अरे जी आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऐसे ही रात को खाने के बाद यूं टहलने निकली थी मैं तो। चलो चलो ना, चलो। हाँ बोल। ओए मुन्ना, वो शेरावाली का मुकुट जरा टेढ़ा हो गया, देख ले। यार गट्टू, ना चाहते हुए भी बुरा को मारा, बिन्नी पे हाथ उठाया। यार ये हाथ सही नहीं कर रहे मेरे, मैं बस चाहता हूँ कि सब कुछ सही सही हो जाए, रितु का रिश्ता ना टूटे बस। तेरी भूरे से कुछ बात हुई? नहीं वाह, हमारी तो कोई बात नहीं हुई भैया। मेरा डिसीजन एकदम सही है, कल रितु की एंगेजमेंट है, उसी मंदिर में बिन्नी की भी सगाई कर दूंगा। बिन्नी की सगाई भैया? हाँ, एक बहुत अच्छा लड़का मिला है, मुझे तैयारियां करनी होंगी। मैं वहां संभालता हूँ, भाई तू यहां संभाल ले, एक भाई वहां एक भाई यहां है। प्लीज गट्टू, मैं बिन्नी की बात पक्की करके आता हूँ। तो भाइयों और बहनों, अब आपके सामने भगवान शंकर जी पधार रहे हैं। भगवान शिव जी पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। अबे बंटी, शिव जी कहाँ हैं? अबे उठो उठो, अबे चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए? उठो उठो उठो, ठीक है ठीक है, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या भाई, गाड़ी ठोक के साफ की और थैंक यू। अरे हमने कहा ठोके, आप लोग तेज आ गए। अरे हम मारेंगे हम तुम्हें भैया, हमारे थोड़ा पैक चकटक रहा, हमारा जाना बहुत जरूरी है। अबे जाता कहाँ है, बिठाओ इसको गाड़ी में। देखो सर, गाड़ी ठोक के भाग रहा है। नहीं नहीं, हम सर हम भाग नहीं रहे, हम सर हम थोड़ा ले देख कर लेते हैं सर। आपके पास डायरेक्ट भिजवा देंगे, कल भिजवा देंगे, अभी जाने दीजिए। अंदर डालो इसे।
तो सब केस ना बनना चाहिए। कल रात को यहाँ पे शिव नोटियल ये मैं आ गया हूँ, ये लीजिए इसके हिसाब से बात। पूरे 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 जैन साहब कहाँ थे? तू ठीक है ना? हाँ साहब आपने कहा भाग रहा हूँ मैं। हाँ हाँ गुप्ता साहब क्या हो रहा है? अभी लो बस। ए मिश्रा छोड़ो उनको सर। हो गया अब बात चल रही है। हो गया पूरे बाइक की चाबी दो। क्या हुआ? क्या बाइक की चाबी दो भाई, हमारे फोन के पास है ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद गट्टू। मामा मेरे से कैसे कर सकते हो? मामा मैं क्या कर रहे हैं आप लोग? माँ चलो मैं बात करता हूँ। मामा समझाएं। मामा मैं बुलाता हूँ उसे। जाओ माँ। मामा क्या कर रही हो बिन्नी? तमाशा क्यों कर रही हो? बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? अभी आपने बताया भी नहीं। परिवार की इज्जत तेरे हाथ में है बिन्नी, सुन मेरी बात सुन। देख चुपचाप रिश्ता पक्का कर ले, लड़का अच्छा है ओके। चल हाथ जोड़ता हूँ तेरे, तेरे पैर पड़ता हूँ मैं। बिन्नी चल। हाँ जी आ रही है बस। पहनाओ पहनाओ जी, जल्दी करो। बिनी सच बताया तो गलती हमारी है। तेरी गलती कैसी हुई? गलती मेरी है, मुझे कुछ कहना चाहिए था। पर हमें भी जयदेव भैया को बोल देना चाहिए था ना। गट्टू कुछ भी हो जाए ब्रेक ऑफ मत करना। हाँ अरे बिनी रह नहीं पाएगी तेरे बिना। प्लीज गट्टू आई एम सॉरी। हाँ दिल से सॉरी। बिनी प्लीज तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी गलती थोड़ी है। हम भाग जाए क्या गट्टू? लेकिन ऋतु की शादी में प्रॉब्लम हो गई, क्या करेंगे हम? फायर ब्रांड पटाखा बोल दो, मैं तो एकदम फुस हो गई। अरे नहीं तुम हमारी फायर ब्रांड हो। अच्छा हम बात कर लेते हैं जयदेव भैया से। नहीं ऋतु की शादी रुक जाएगी, तू कुछ सोच। तू कुछ ऐसा सोच कि बिन्नी तेरी हो जाएगी और ऋतु जीजा जी की। और देखना गट्टू बदनाम भी हुई तो भूरा भाई के साथ। तू कुछ कर गट्टू प्लीज। अले पुत्र रख ले। अरे मम्मी जी इसकी जरूरत नहीं है। ओ रख ले पुत्र, शगन है। रख ले यार आशीर्वाद है। वैसे मम्मी एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। आपकी आवाज सुनने के बाद ना पता चल गया कि भाभी जी और बिन्नी जी की आवाज में सुर कहाँ से आया। भैया वो हाँ बोल। मंदीप का फोन आया था, वो कह रहा कि वो रात को नहीं आ पाएगा। ओ नु छड़ इनसे मिल। राहुल ये गट्टू है, अपने ही घर का बच्चा है, पड़ोस में रहता है। हे गट्टू। राहुल शिव। ओ शिव ये आईपैड है। ओए ओए आईपैड पैर छू। अरे नहीं नहीं पैर पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। या इट्स एन आईपैड। इसमें गेम्स हैं? हाँ बिल्कुल है ना। ओए ओए क्या कर रहे हैं? मम्मी जीजा जी तो हैं। या थैंक यू जीजू। अच्छा भैया वो राज भैया ने ऋतु भाभी जी के लिए गिफ्ट भेजा था तो मैं दे आऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे गट्टू जरा जीजा जी को ऊपर का रास्ता दिखा दे। बिनी, राहुल आ रहा है। बिनी देखना आ गया क्या? देखना आ गया क्या? देखना बिनी, देखना क्या कर रही है? पीछे देखना क्या क्या? भाभी जी, हाँ वो डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों कह रहे हो? वो एक्चुअली रिश्ते अपनी जगह पर होते हैं और मैनर्स अपनी। भैया ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अच्छा हाँ और कहा था कि एक मिनट
कि बिल्कुल ऐसे ही देना। गिफ्ट फॉर यू भाभी जी फ्रॉम राज भैया। थैंक यू। और भाभी वैसे मैं एक गिफ्ट बिन्नी के लिए भी लाया था तो दे दूं। वाह बड़े रोमांटिक टाइप के हो। वैसे मंगेतर आपकी है खुद डिसाइड कर लो। पॉइंट। हाय बिनी हाउ आर यू। फाइन। सो फाइनली वी हैव मेट एंड टाइम फॉर मी टू टेल यू समथिंग राइट टू योर फेस कि आपकी सिंगिंग का तो मैं फैन फ्रांस में ही हो गया था। मॉम ने वीडियो भेजा था तो उसे देखता ही रहा फिर देखता ही रहा और फिर देखता ही रहा। बाय द वे इट्स अ गिफ्ट फॉर यू इट्स एन आईफोन। गाना अच्छा रिकॉर्ड करेगा तो भेजते रहना। थैंक यू। क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? दरअसल भैया से पूछेंगे तो वो अच्छा। आई लाइक दैट। पूछता हूँ भैया से। एंड आप बहुत खूबसूरत हो। भैया नीचे बैठे आ जाओ। भाई नीचे बैठे। राहुल यार 10 मिनट में खाना लग रहा है। भैया ऑनेस्टली खाना नहीं खाना है। अरे यार भैया बस आपकी एक परमिशन चाहिए थी। क्या मैं बिन्नी को कॉफी के लिए ले जा सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड? हाँ हाँ ले जाओ। उसने मना तो नहीं किया? नहीं नहीं देयर इज नथिंग। फिर क्या है मैं बोलता हूँ उसे। थैंक यू भैया थैंक यू। अच्छा साले साहब एक प्रॉब्लम है मुझे। ओह शिव आई एम वेरी सॉरी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने बिन्नी के लिए फोन तो ले लिया पर सिम कार्ड नहीं लिया। सो इफ यू डोंट माइंड कुछ प्लीज बाय मी अ सिम कार्ड फॉर I'll be really happy. Thank you so much. Aadhaar card. Aadhaar card? What is that? Koi nahi. I appreciate it. Thank you so much. Wait. Come. Sit. Thanks. Okay, so bye जीजू। Bye guys। मैं भी जाऊँगा next time। हाँ, ले चलूँगा। Bye man। गट्टू भाई, मज़े आ गए आपके तो। जो बचेंगे ना, आके मुझे दे देना, नहीं तो जीजू को बता दूँगा। साली साहब। मंगा यही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा तैनू ना बोल पावा मैं तू आपे ही समझ जा सामने बैठ जा तकदा जाऊं अखियों में तेरी फिर कोई मंगा ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा तैनू ना बोल पावा मैं तू आपे ही सब। बिन्नी के तो भाग खुल गए। A1 लड़का मिला है बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल टाइप। शेफ, 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 शेफ। अब सब सही जा रहा है गट्टू। इन दोनों के बीच दही जम रही है। अब भूरा तो गया। तैयार हो तू जो मेरे साथ चले ना
मंजिल मेरी सब खो जाए एक पल तू जो नजर न आए दिल मेरा हाय घबराए जीना नहीं बिन तेरे सुन तू मेरा तो हासिल बस तू ही तू बिन तेरे न मेरा कोई मंगा यही दुआवा मैं बंदे की बंदा की नहीं बराबर नहीं है तेरे वो पूरा हमें एक बात समझ नहीं आती ये राहुल नाम के लड़के गोर क्यों होते हैं हैं वो फिल्म थी जो वो कुछ कुछ होता है वो फ्रेंडशिप बैंड वाली उसमें सलमान भाई से लड़की कौन ले गया राहुल एक और थी वो दिल तो पागल है उसमें अक्षय भाई से लड़की कौन ले गया राहुल एक वो थी ना एक और यार वो बहुत साल चली वो डीडीएलजे मैंने देखी उसमें वो कॉमेडी वाली वो त्रिपुरण सिंह उसके पति से लड़की कौन ले गया राहुल नहीं नहीं भाई नहीं नहीं उसमें तो राज था उसमें राज राहुल है तो तुला राशि ना सेम है एकदम हाँ। सब सेम है हाँ। खत्म हो गया बुरा सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया लव 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 स्टोरी में तेरी कहानी ना बनी तो क्राइम स्टोरी में जरूर पड़ेगी भाई राहुल नाम के वायरस का अब एक ही इलाज है क्या मौत इलाज है तुम क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम मतलब नहीं यार गोली मारने का गुदा ना है तो एक्सीडेंट करा देते हैं एक्सीडेंट से तो प्रॉब्लम ना है खत्म हो गया बुरा सब खत्म हो गया कुछ नहीं हम खुद खत्म हो जाते हैं बात ही खत्म कर नो कुछ खत्म नहीं हुआ है रोमियो मस्ट डाई नहीं तुम बोल दो जाके बिन्नी को रोमियो मस्ट डाई ऐसी बातें ना कर तू भाई ऐसी बातें ना अरे मार देंगे राहुल को काट देंगे बुरा अब से हर पिक्चर में हीरो का नाम होगा गट्टू क्या होगा गट्टू नो राहुल गट्टू हाथ खोलेगा और गट्टू का साला होगा बुरा गट्टू का साला होगा बिन्नी मेरी बहन है भाई वो जैसे नहीं खुद की शादी नहीं हो पड़ी हमें बोला तू तो घर का भाई है ना तू तो घर का भाई है ना अब जीत जाऊं मैं उसका भाई तेरी शादी होगी और तेरी शादी का सरवाला नहीं मैं सरवाला नहीं बनूंगा लड़की एफिल टावर नहीं चलेगी लड़की एफिल टावर चलेगी लड़की अपना क्लॉक टावर चढ़ेगी लड़की क्लॉक टावर चढ़ेगी एफिल टावर नहीं चलेगी लड़की नहीं मेरी बिन्नी बहन क्लॉक टावर चढ़ेगी और तू उसको उतारेगा मेरे भाई गट्टू जीजा ठीक है तू मेरा गट्टू क्या है गट्टू जीजा गट्टू मेरा जीजा तू जीजा है नो राहुल तो कट्टे से मर गया ना राहुल तो मर गया मार देंगे गोमती में डाल देंगे छोरो
तुम लोगों ने शराब पी रखी क्या? शराब नहीं, बियर पिया। राहुल जी आज दिल दिल टूट गया तो थोड़ी शराब पी ली, क्या हो गया? तुम रो मत, हम बात कर लेंगे। क्या हो गया? अच्छा बुरे सुनो, तुम सो जाओ, तुम सो जाना, ठीक है? अच्छा ताऊ जी हम चलते हैं थोड़ा। ए, हाँ। के बकबक कर रहे हो तुम लोग? बकबक ताऊ जी, ताऊ जी बुरी कोई गलती नहीं। ताऊ जी बुरे हमारे सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त है? बुरे ने प्यार के लिए आज मार दिया था उसको। हाँ बता दो, अब हमने रोका है। मार देंगे। और बिन्नी, बिन्नी मतलब बचपन से बुरे, बचपन से हम को बात नहीं, को बात नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया? तुम बुरे ठीक है? अच्छा बुरे ठीक है, तुम सो जाओ, तुम सो जाना ठीक है, तुम सो जाओ, सो जाओ। अच्छा ताऊ जी हम चलते हैं, हम भी सज्जन आदमी है, टाइम से घर पहुंच जाए अपने। ए गट्टू मैंने पहले ये बता, ये बिन्नी कौन है? बिन्नी ताऊ जी, जी बिन्नी मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। ताऊ जी जब दूध का ऑर्डर आएगा तब सुबह आएगा बिन्नी का। दूध का? हाँ वो ऑर्डर, अरे वो जागरण वाली, शंकर जी, शंकर जी। सॉरी ताऊ जी, चलते हैं हम। ताऊ जी भूल चुक लेनी देनी है, अभी सोचा ताऊ जी ठंडोरी आप सो जाओ। बुरे मर्डर नहीं करना है, नहीं करना, मर्डर नहीं करना, नहीं करना। गुड नाइट ताऊ जी। के बकबक करे छोरा? ताऊ दिल टूटा, दिल टूटा, बिन्ने को लाएंगे। गुड नाइट ताऊ जी। खबर एकदम पक्की है, पूरे मोहल्ले में आसकी के चर्चे हैं इनके, और छोरी की सगाई जबरदस्ती से करी है, और भूरे को भी कुटा छोरी के भाई ने। रे इसकी हिम्मत कैसे होगी मारे भूरा का हाथ लगाने की? इनके पूरे खानदान ने फाड़ के सुखा दूंगा मैं। ताऊ जी मैंने धार पे धर दूंगा मैं अब। अरे छोरा बैठ जा, बैठ जा। देखो एक बात तो तय है कि ये जो शादी ब्याह है ना, हम लोग अपनी बिरादरी के बाहर तो कर नहीं सकते, इसलिए हम जाके छोरी के भाई ने मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि देख तेरी बहन की भलाई तो इसी में है कि तू अपनी बहन का ब्याह जल्दी से किसी और के साथ कर दे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और भूरा अगर मैंने छोरी के घर के आसपास दिखा ना तो उसकी खाल तो मैं खुद उधेड़ दूंगा। हाँ गुड मॉर्निंग ताऊ जी। ए छोरे ताऊ जी से बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा है, राम राम कहते मुंह दुखे क्या? और ये बिन्नी कौन है? इधर आ। मैं ना आता। अरे इधर आ। मैं ना आता, आपको सुताई करनी है, आप इधर आओ, मैं ना आता। मैं आऊं। अरे तेरी मम्मी का भाग गया बावला। ए विजेंद्र जी वो छोरी के भाई से मिला बने। हाँ देख जयदेव। जयदेव? हाँ देख जयदेव, बात यू है कि तेरी बहन ताऊ जी पहले आप मेरी बात सुनिए जी, वो भूरा ने मेरी बहन का दिमाग फिरा दिया इसलिए मेरा हाथ उठ गया, आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। देखिए हम गरीब हैं पर शरीफ हैं जी, हमारी मोहल्ले में इज्जत है, और आपकी ठहरी क्रिमिनल फैमिली, तबेले की आड़ में न जाने क्या क्या होता है, ये पूरी दुनिया को मालूम है क्या होता है। अब ऐसे खानदान में तो हम अपनी लड़की दे नहीं सकते, इससे अच्छा तो मैं अपनी बहन का गला घोट दूं। देखिए ताऊ जी सच कड़वा होता है। मेरी हिम्मत क्या? रे छोरे के नाम है तेरा? जयदेव। जयदेव ये पहली बात कि हमारी फैमिली की कोई इज्जत विज्जत ना है, माना, और तबेले की आड़ में हमारी फैमिली क्या गलत धंधे करती है वो भी माना। अब कोई भी भला आदमी अपनी छोरी को ऐसे खानदान में तो ब्याहेगा नहीं जी। ठीक
तो भले आदमी तो सुन जी, तेरी बहन की शादी होगी तुम्हारे खानदान में ही होगी। अरे हम चाहे वो शादी उसकी लाश के साथ करवानी पड़े या फिर तबेले में किसी खुंटे के साथ में बात के करवानी पड़े, शादी होगी होगी तो हमारे खानदान में। अरे पर ताऊ जी ऐसे कैसे हैं? हद है यार, क्या बोलती है? ताऊ जी मेरी बात सुनिए। देखिए आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं। ताऊ जी आपके आगे छोटा है। अरे ऐसे क्या गिड़गिड़ा रहे हैं आप? छोड़िए अंकल जी, पुलिस को बुला लेंगे। धमकी किसे दे रहे हैं आप? पुलिस बुलाएगा तू? बुला बुला पुलिस है रे तू? पुलिस बुला चाहे फोर्स बुला, जहाँ मर्जी है बुला ले। ताऊ ने कह दी तो कह दी, पत्थर की लकीर रही हूँ अब। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे हमारे मोहल्ले की लड़की को? फिर? हमने चूड़ियाँ पहन रखी है क्या? हाँ चूड़ी तो तुमने पहनी रखी है, विदाई में तो आओगी सारी, उसी दिन देख लेना कैसे ले जाएंगे। अरे अपनी है? बच्ची की तरह पाला है अपनी बहन को, ऐसे कैसे ले जा रहे? अरे हाथ तो लगा के दिखा तू। ले खड़का उखाड़ेगा, तू खाड़ेगा। अरे देखो कैसा आदमी, जल्लाद है तू, जल्लाद। अरे आजा तू, आजा। अरे हाथ मत लगा, क्यों मेरे मर्द को? क्या मोहल्ले की औरतें ज्यादा ही तेज है मर्दंत है? तो मैं नहीं, नहीं चप्पल ले, चप्पल ले। किसने चप्पल फेंकी हो? धप्पी धप्पी दादा, अरे भागो भागो। जीतर है, छोरी का मामला है। घर कौन सा है? यू वाला है जी। अब कांड होगा। और इस लड़की की शादी तय है, अगर बीच में किसी ने आने की कोशिश की तो खून हम खून लाल हम लाल कर दूंगा सारा मोहल्ला। मेरी बहन को छेड़ते, छोड़ दो मम्मी, मैं किल्ली से गाड़ दूंगा उसे, मिले तो सही मेरे को बहुत मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं भूरे को। मम्मी आज छोड़ दो, मेरे सर पे आज खून सवार है। बिन्नी देख तेरी वजह से क्या हो रहा है, छोटे भाई के सर पर खून सवार है और बड़े भाई को तो धमकी देकर चले गए। बिन्नी तू जैसी मतलबी लड़की आज तक नहीं देखी। रितु मैं कितनी बार समझाऊं कि मेरा भूरे के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम गट्टू को बुला, वो सारी असलियत बता देगा। बिन्नी गट्टू ने ही बताया भाई को कि तेरा चक्कर भूरे के साथ चल रहा है। क्या? हाँ बिन्नी गट्टू ने ही बताया है, कब से जम रही है तुम दोनों की दही। गट्टू ने बताया? अरे तो वही बैठ के हुई है। गट्टू 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 नटियाल ने बताया है कि तेरा चक्कर भूरे के साथ चल रहा है। बिन्नी तेरी वजह से मेरी शादी नहीं हुई। मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी। कान खोल के सुन ले ये पूरा घर। कैसे कराऊंगा शादी अपनी बहनों की? उठा के ले जाएंगे वो। अरे कैसे उठा के ले जाएंगे हैं? हम सब यहाँ मौजूद है, सब कुछ हो जाएगा। इस विपदा के समय में हम सबको एकजुट होना है। कोई जान पहचान है? मोंगा मैं कुछ कह रहा हूँ, कहने थैंक यू। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो आज शहदेव के साथ हुआ है वो कल हम सब के साथ हो सकता है। हाँ है कि नहीं? जब तक हम दबते रहेंगे
तब तक वो लोग हमें दबाते रहेंगे, इसलिए इस मोहल्ले की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिन्नी, बिन्नी की शादी राहुल के साथ ही होगी। अगर किसी और ने आंखें डाली बिन्नी पर तो उसकी आंखें रोक लेंगे हम। अगर ये मोहल्ला खून चाहता है तो हम सब खून बहाने के लिए तैयार हैं। तैयार है, बिल्कुल तैयार। सुन रहे हो जयदेव, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप भाई बहनों का साथ है, अब बस इन राक्षसों से लड़ने के लिए माता रानी का आशीर्वाद ले लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं है? करा लेते हैं छोटा सा जागरण। जय माता दी, जय माता दी। जेमा अजमा दिया तुम्मा पै गईया, मां जेरा वाली आई है। सब मन्नत पूरियां कर दे मां, भगदों ने जोत जगाई है। चरणों में तेरे बैठे हैं, चरणों में तेरे बैठे हैं मां। दूर करी सड दुखड़े नू, बड़ा सोना सोना, बड़ा सोना सोना, बड़ा सोना सोना लगता है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू। बड़ा सोना सोना लगता है जब देखे मां तेरे मुखड़े नू। झुम गाए लाल चुनरी चढ़ाए, सब तुझको मनाए मेरा वालिए। सर को झुकाए तेरे धर पे जो आए, उसे सब मिल जाए शेरा वालिए। लग दे जकारे बड़े लग दे प्यारे, जद नच दे न सारे दिल खोल के। ढोलक बजाए सारे चिमटा बजाए, सब जय माता दी बोल के, जय माता दी बोल के। दरबार तेरा संसार मेरा, तेरे बिना कोई घर बार मेरा, फरियाद सभी की सुन ले तू माँ, कर दे बेड़ा पार मेरा। हाय तेरे नाम दीवाज ही आवेगी, हो तेरे नाम दीवाज ही आवेगी। सड रोम रोम हर टुकड़े तो, बड़ा सोना सोना, बड़ा सोना 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 सोना, बड़ा सोना सोना लगता है जब देखे माँ तेरे मुखड़े नू। बड़ा सोना सोना लगता है जब देखे माँ तेरे मुखड़े नू, जब देखे माँ तेरे मुखड़े नू। झुम झुम गाए लाल चुनरी चढ़ाए, सब तुझको मनाए मेरा वालिए। सब को झुकाए तेरे घर पे जो आए, उसे सब मिल जाए शेरा वालिए। बड़ा सोना सोना, बड़ा सोना सोना लगता, सोना सोना बिनी, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? नहीं वो अंदर आना, दरवाजा बंद करो। बंद कर दे। आओ बैठो। अच्छा बिनी, वो नीचे बहुत गड़बड़ होगी ना, पर तुम चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। पहले तुम बैठो, तुमने तो सब कुछ संभाला है। अच्छा ये बताओ, तुम दही खाओगे? बिनी तुम खिलाओगी तो जहर भी खा लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर छत पे चलते हैं। छत? वो बोली दही। वो कहते हैं ना फ्रेंच किस। फ्रेंच 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 किस, फ्रेंच किस कहते हैं। बिनी आर यू श्योर? हाँ तो यहीं खा लेते ना दही। अरे नहीं, कोई आ गया तो? वैसे भी छत पे और मजा आएगा ना। मजा तो आएगा।
चले? हाँ चलो चलो। कटो? हाँ। ये दूध से दही जमने की बात तुम्हारी मम्मी ने बताई पूरे मोहल्ले को? दही नहीं बिन्नी, हमारी मम्मी ने कुछ नहीं बताया। ये चुगली करने की आदत खानदानी आदत है क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो बिन्नी? खैर छोड़ो, नीचे जागरण में किसी को माता आ गई? छोड़ो ना माता। बता ना गट्टू, माता आई कि नहीं? नहीं, क्यों? आएगी भी नहीं, आज माता यहाँ आएगी। माता आएगी? बिन्नी? बता गट्टू, किसने बताया पूरे मोहल्ले को भूरे और बिन्ने के बारे में? नहीं, 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 हमने नहीं बताया। गट्टू तू हिम्मत ही नहीं है और कभी हो भी नहीं पाएगा। तूने बताया अजय देव भैया, तूने बताया ना गट्टू? तूने तोड़ा बिन्नी का विश्वास। गट्टू तू भट्टू है। माता हमने नहीं बताया। माता झूठ बोलता है। नहीं नहीं माता, हम झूठ नहीं बोले माता। हो तो माता बिन्नी भी हो राहुल के साथ तो। गट्टू चुप कर, चुप कर गट्टू। क्यों किया तूने ये सब? हम साथ में दुनिया जीतने वाले थे और आज तुमने मुझे ही हरा दिया। कितनी बार मैंने पूछा था, हाँ कितनी बार पूछा था मेरे भूरे के बारे में। भाई बहन का रिश्ता समझ नहीं सकता, कम से कम इज्जत तो करता। हाँ बिन्नी, क्यों तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं बिन्नी, ऐसा क्या हुआ बिन्नी को? गट्टू क्या हुआ बिन्नी को? माता आ गई बिन्नी। हाय क्या हो गया मेरी बहन को? गट्टू पानी लेके आ। अरे गट्टू जैदे भाई को बुला के लेके आ। बिन्नी उठ जा मेरी बहन। डॉक्टर अंकल। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, आप लोग बेकार परेशान हो रहे हैं। अरे माता रानी आई हैं, माता रानी आती हैं, सीजन चल रहा है, एक गोली दे देते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपकी फीस? अरे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे बस। वैसे भी माता रानी के केस में फीस नहीं लेता मैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ओ नहीं पुत्र, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे, तू तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाना है, बस चुप हो जा बस। दो लट नहीं, लट नहीं, दो दुनाली वाले बिन्नी के कमरे के बाहर, दो पैसेज में दो। अच्छा तुझे एक बात बताओ। बोल। हमारे पास लट वाले कितने लड़के रहेंगे और दुनाली वाले कितने? 5 दो नाली वाले और 10 लट है। 10 लठेत और 5 है दुराली। अरे गट्टू पाव छो तिरछू अंकल के। अरे जीता रहे बेटा, जीता रहे, बैठ बैठ बैठ। तिरछू लठ वाले तो सबके पास होते हैं, एक काम करो 7 दुनाली वाले कर दो। ठीक है, 2,000 रुपये एक एक छोरे का और दुनाली का लमसम 3,000 दे दियो। एडवांस और बाकी फिर शादी के बाद, लेकिन सिक्योरिटी तगड़ी होनी चाहिए बिन्नी के लिए भी और जयदेव के घर वालों के लिए भी। सिक्योरिटी तो तगड़ी होगी, उसकी तो तू कति चिंता ना कर। रे गट्टू जीता रहा, जीता रहा। रे के बात है ताजी, बिन्नी को लेकिन ना गलतफहमी हो गई है थोड़ी। बिन्नी? अच्छा अच्छा वो अपनी छोरी, अरे उसमें कौन सी गलतफहमी हो गई ताजी? बोरी का उसके। तू उसकी चिंता ना कर, वो देख डप्पी अभी भी जेल से आया ना, अपने छोरे को लाड प्यार कर रहा है, वो तेरा दोस्त है वो, तो जाके थोड़ा लाड प्यार तू भी ले ले जा। पापा जी तू कह पैर इंटर कास्ट शादी करेगा, दूध में पानी मिलाएगा तो दही कैसे जमेगा? सोचा था ना इसके बारे में? सच
सर बैठे अंकल। तेरे मोहल्ले वालों ने तिरछू को बुलाया है? तिरछू? तब पिपा देना तब मर जाएगा तिरछू। सही बात है अंकल। हफ्ते भर के लिए जेल से आया हूँ, चार छह को तो लुड़का के जाऊंगा ना। सुन, तुम दोनों जिगरी हो ना, सोले पिक्चर की तरह से तूने और बूरे ने साथ में रोटी तोड़ी है। ठीक ठीक। देख, मैं तुझे अनाथ होता नहीं देख सकता। अपने बाप से कह दे थोड़ा पीछे पीछे रहे, क्योंकि चार छह तो गए। वो समझा? ठीक ठीक। अरे वो छोरी कहाँ है जिसके लिए सारा बवाल हो रहा है? चलो हमको छोरी से मिलाओ। अंकल जी वो छोरी से मिला नहीं तो ठाके ले आऊंगा। नहीं 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 अंकल जी, हम मिला देंगे। भाई तुम बोल दो ना अंकल जी को, बात ही खत्म करो। भाई मैं तो माँ पे गया हूँ, बचपन से ही बाप के साथ मेरा कोई कनेक्शन ना है। जब भी देखा जेल में ही देखा है, दो तीन बार, पता नहीं कैसे बाहर आ गया। मेरा छोटा मामा भाग के शादी की थी उन्होंने, गाड़ दिया। अरे मेरी माँ के सामने गाड़ दिया मेरे बाप ने। हमारे यहाँ तो ऑनर किलिंग हो जाती है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, बात आ गई इज्जत पे। अब मैंने कुछ बोला तो ऑनर छोड़ डिसऑनर किलिंग हो जाएगी। लाशें तीन दिख रही हैं मुझे, तेरी, मेरी और बिन्नी की। नहीं, चौथी भी है। नॉट यार अंकल की। मैं क्या कर सकता हूं अब, तू देख ले। कम से कम अपने बाप को बचा ले। देखिए मोंगा साहब, संकट की इस घड़ी में ना कोई प्रेसिडेंट है ना कोई वाइस प्रेसिडेंट, हम सब साथ हैं, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। वो तो ठीक है नौटियाल जी, पर हमने तो आज तक एक भी मक्खी नहीं मारी है और उन पर ऑलरेडी 100-100 मर्डर के केस हैं। अरे तो हमें भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले एक मर्डर, फिर दूसरा मर्डर, फिर तीसरा। हाँ बोलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या हुआ? पापा एक सेकंड आइए ना, बात करनी है। एक सेकंड। क्या है? पापी अभी दप्पी अंकल के यहां से आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको जान से मार देंगे। पापा इकलौते बाप आप हमारे, हम अनाथ हो जाएंगे, मम्मी विधवा हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको? आज तक हमारे अलावा किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा आपने, क्या ये सब कुंडी कर रहे हैं आप? प्लीज पापा। चल क्या है ये? व्हाइट हाउस है, अमेरिका प्रेसिडेंट्स हाउस। हमें प्रेसिडेंट बनना है, हमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहना। कौन याद रखता है वाइस प्रेसिडेंट को? कोई नहीं। वो जो नींबू होता है ना जो तंदूरी चिकन पे पड़ता है, उस नींबू को कोई याद नहीं रखता, सब चिकन के गुट गाते हैं। हम कौन है? नौटियाल, हम नींबू है, नींबू। और हमें चिकन बनना है, और चिकन बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वॉर। जो वो जूनियर और सीनियर दोनों ने की वॉर। जब भी पब्लिक बोर हो जाए ना बेटा, तो उसे वॉर दे दो, उसी वॉर से उभर के आएगा एक नया लीडर। इस वॉर के बाद इस मोहल्ले का प्रेसिडेंट बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और एक तुम हो जो एक धमकी से डर गए, नौटियाल जूनियर। तुम्हें ताजुब हो रहा होगा ना, लेकिन बेटा हमने भी कॉलेज के जमाने में बहुत दंगे किए हैं। 16 दिन तक पूरा शहर बंद करवा दिया था, पर्सनल कर्फ्यू डिक्लेयर्ड बाय हेम चत्र नौटियाल। इसलिए डरो मत, और हां उस भूरे से दोस्ती बनाए रखना। क्या है, दुश्मन के खेमे में हमारा एक खुफिया जासूस हो बहुत जरूरी है। वहां जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बताते रहना है। मोंगा जी। हाँ अच्छी पर महंगी है ना माँ। हाँ बिन्नी, तुझे थोड़ी ना पैसे देने। ये वाली ये महंगी होगी। नहीं नहीं वो येलो। हाँ बहुत प्यारी लग रही है, और भी दिखाइए ना थोड़ी सारी। यार नमस्ते अंकल। अंकल जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो अभी के लिए हम थोड़ा दूर से देखें। दूर से क्यों, हम तो छोरी को क्लोजअप में देखेंगे। और एक बात और सुन ले ध्यान से,
छोरी मन ने पसंद आई तो शादी होगी, वरना शादी कैंसिल। बुरे के पसंद करने से कुछ नहीं होता। नहीं, वो ठीक है अंकल जी, पर हमारे लिए बोलता बहुत है। चुप। कौन सी छोरी है? या है के? नहीं, अंकल जी, अंकल जी, इधर। वो कौन सी है? किधर? वो कौन सी अंकल जी? कहाँ? वो येलो येलो सूट वाली। येलो के? या छोरी है? हाँ, या छोरी? ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। ऐसी लड़की को प्यार करने वाले को तो चार पांच खून माफ होने चाहिए। तू मुझे सच्ची सच्ची बताओ, वरना मार दूंगा जान से। या छोरी ने वाकई मेरे बुरे को पसंद किया है? हीरे को कोयले में ढूंढ लेते हैं, या तो मन ने सुना था, और इस हीरे ने मेरे कोयले को कैसे पसंद कर लिया? के बात है भाई, मैं अपनी बहू को आशीर्वाद दे के आता हूँ। आशीर्वाद तो दूंगा अभी अंकल, अंकल जी अभी अभी आशीर्वाद मत दीजिए अभी। पहली बार देखा है, मुंह दिखाई तो देनी होगी ना। अंकल जी, बहू से मिले बगैर मैं कैसे? हमारे अंकल जी, हम हाथ जोड़े, परिवार की इज्जत का मामला है। चल, तू उसका भाई है, ये उसको दे देना। दे देना, हम मुंह दिखाई दे देना मेरी बहू को। बिनी, दो मिनट बात करनी है। नौटियाल अंकल का लूजर बेटा, मेरा पीछा करना छोड़ो ना। वैसे भी तुम लाइफ में कुछ काम नहीं करते, तो तुम मेरी शादी में कूल ड्रिंक बांटना और कुर्सियां उठाना। बिनी प्लीज लीव। मम्मी ये वाली अच्छी है ना? अज्जू जरा फोन उठाना। दीदी एक मिनट, मैं यहाँ पर हूँ। गट्टू भाई जरा बिन्नी का फोन पकड़ लेना प्लीज। हेलो, हाँ राहुल, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं कहाँ हूँ मुझे पता चले। अच्छा ये बात बताओ, शॉपिंग हो गई? हाँ हो गई। फोटो भेजो ना। कौन सी फोटो? अरे कपड़ों की। ओ, वो सारी बातें तो ठीक है, पर मैडम एक किस तो दे दो। अरे यहाँ कैसे, वैसे भी आप तो फ्रांस से हो तो आपको फ्रेंच ही पसंद होगी। अच्छा तो इतनी सी बात नहीं मान सकती मेरी? अभी नहीं, मैं मेहंदी में हूँ, आप लिस्ट बना लो, फिर मैं आपको मिलके सब सुनाती हूँ, ठीक है? देख लो फिर, लिस्ट थोड़ी सी लंबी होगी मेरी, जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। नहीं लाए हो? कट्टा है, पर क्या हो गया एकदम से? तुम सही बोल रहे थे वो उस दिन। राहुल को ना खत्म कर देना चाहिए, हैं? एक तो तुम बातें इतनी करती हो, तुम कट्टा दो, कट्टा का है, कट्टा दो। भाई कट्टा है, कट्टा है, ये ले कट्टा। लेकिन राहुल को मारने से अब कुछ ना होगा। बिन्नी बहन की शादी अब राहुल से नहीं हो रही है, बिन्नी बहन की शादी अब मुझसे हो रही है। अरे क्यों दिखाया बिन्नी बहन को मेरे पापा को? बावला हो गया बावला, बच्चों के नाम तक सोच लिए। पप्पी दादा के पोते, पप्पी 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 पप्पी। और वो विजेंद्र चाचा, उनको भेज दिया शगन देने के लिए। भाई अब ये बवाल का अंत ना मुझसे होगा। तेरे पास कट्टा है, तू घुसेड़ दे कट्टा। बुरे नहीं, अरे कट्टा घुसा दे भाई। तुम ही तो अब हमारे साथ है। गट्टू यार, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। मतलब सबके साथ शादी हो रही है सिवाय हमारे।
बुरी है। बिन्नी क्या बोलती है हमें कि हम झूठ बोलते हैं ना, हम दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। अब देखो तुम, बिन्नी की आंखों के सामने ऐसा बेवकूफ बनाएंगे ना दुनिया को, जिंदगी पर याद रखेगी बिन्नी अरोड़ा। बोरे की शादी बिन्नी से होगी या तो तय, इसे तो भगवान भी कौन ना बदल सके, पर धप्पी बेज्जती कौन नहीं भूलता। पहले तेरे मोहल्ले की औरत ने इसे चप्पल से मारा, और कल रात जब ये शगुन लेकर गया तो सब ने इसे कुत्ते की तरह पीटा। तेरा बाप क्यों लीडर बना घूमता है? देख तेरा बाप तो गया पक्का, तेरे बाप का मर्डर तो करना ही पड़ेगा। शादी की सुबह कर दूंगा इसके बाप का मर्डर, ठीक है? वो ठीक है अंकल जी, वो आप कर देना, पर ये चिट्ठी भेजी है बिन्नी ने भूरे के डैडी के लिए। भूरे का डैडी कौन है? ओ डैडी बाप, और बाप तो मैं हूं। अंकल जी हम पढ़ देते हैं, हम पढ़। हाँ। रिस्पेक्टेड पिताजी चरण स्पर्श, ताऊ जी चरण स्पर्श, जीतती रह। बिंदु चाचा गणिता चाचा नमस्ते, हम यहाँ पर कुशलता पूर्वक हैं तथा आपकी कुशलता परमपिता परमेश्वर से सदा नेक चाहते हैं। इस समय सबसे ज्यादा भरोसेमंद हिम्मती स्मार्ट समझदार लड़का सिर्फ गट्टू ही है। गट्टू के साथ विचार विमर्श करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रितु का विवाह संपन्न होने के बाद हम गट्टू के साथ भागकर भूरा से शादी करने के लिए अपने आप आ जाएंगे। सही है, आप बस इतना ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का कोई भी खून खराबा बिल्कुल ना हो। बिंदु चाचा जी की पिटाई पर खेत प्रकट कर रही है आपकी होने वाली बहू बिन्नी स्माइली। कितना मीठा खत लिखा है, मुझे तो आज तक किसी ने FIR और वारंट के सिवा कुछ लिखा ही नहीं। पूरे तेरी तो इज्जत बढ़ गई मेरी नजरों में, इस कोयले ने हीरा पन्ना दोनों एक साथ ही ढूंढ लिया है। कितनी सुंदर लड़की है और कितनी दिमागी है। देख भाई, हम तो वही करेंगे जो बिन्नी ने सलाह दी है। हाँ ठीक ठीक रहेगा। सुन इधर, बोरे की शादी का कन्यादान तू करेगा, तेरे से सच्चा भाई तो कोई है ही नहीं। अरे दप्पे, कन्यादान तो बाप करता है। मन ने कह दिया ना, भाई करेगा बस। अंकल जी हम तो बस पड़ोसी हैं। अरे सच्चा भाई है तू। माय एंजल बिन्नी, शुरुआत एक शेर से करूंगा, इरशाद बोल देना। इरशाद। दिल में जो आग है सबको दिखा दूंगा, जो उठी डोली तेरी दुनिया में आग मैं लगा दूंगा। अच्छा हुआ तेरे उस भाई की शादी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि अगर हो जाती तो तेरी भाभी विधवा हो जाती। तू किसी से मत डरना, गट्टू के पापा से तो बिल्कुल भी नहीं, उनके नाम की गोली तो मेरे बाप ने राइफल में ऑलरेडी डाल दी है। पहले बोला था आपको हमने। मेरी प्यारी बुलबुल, हमारे प्यार के बीच आने वाले को कह देना कि भले ही तुझे पहरे में रखे या दीवार खड़ी कर दे, भूरा और उसका परिवार हर दीवार को चकनाचूर कर देगा और तुम्हें उस नरक के पिंजरे से किसी भी वक्त उड़ा ले जाएगा। तुम्हारे आसपास ही हमारा भी एक आदमी है, वक्त आने पर वो तुम्हें संदेशा देगा कि हम लोग आने वाले हैं। कौन पता है? हा, योर आशिक आवारा, जान से प्यारा भूरा स्माइली। हमें बोला था जाके सीधा बिन्नी को देना, वो तो हमने टाइम पे खोल लिया, सीधा आपके पास लेके आए हैं अभी। ये बिन्नी तो पागल है, मुझे डर है कि कहीं घर से भाग ना जाए। भैया एक मिनट, हम मर जाएंगे लेकिन बिन्नी को मोहल्ले के बाहर नहीं जाने देंगे, हम हैं ना। गट्टू यही रहना, हिलना मत यहां से, हर सेकंड नजर रखना इस पे, किसी से फोन पे बात भी ना कर पाए। लेकिन भैया मुझे चुप रह, शादी है तेरी वरना लगाता दो चपेड़। भैया ने कहा है, लाइट बंद करो। Thank you.
रात के पुलिस स्टेशन। पूछ लीजिए आप, एक मिनट। अरे तिरछू भाई, अरे तिरछू पहलवान, आपने जो कुछ भी कहा उसमें से कुछ नहीं किया आपने। वो दुनाली वाले तो छोड़ो, लठ वाले बहुत कम हैं। के बात करने लग रहा यार, कति चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। जयदेव भाई, ओए गट्टू, तुझे बोला था ना यार बिन्नी के साथ रहे भाई। बिन्नी का मेकअप कब चलना है? तू बाहर खड़ा हो जाना यार प्लीज। अच्छा ये चार दिख रहे हैं, सब इधर उधर लगा रखे, कति चिंता ना कर। जयदेव भाई, बाहर वो पुलिस आई है। पुलिस? हाँ पुलिस। हाँ हाँ एक मिनट मैं देखता हूँ। क्या हुआ सर? फोन पर बहुत धमकियां आ रही हैं। क्या मामला है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप बताइए क्या हो रहा है? पंडाल को बारूद चढ़ाने की धमकियां आ रही हैं। अरे ऐसे कैसे बारूद से उड़ा देंगे? शादी हो रही है, मजाक थोड़ी हो रहा। मैं उन लोगों को तो मैं संभालता हूँ। पुलिस आ गई। क्या है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो मोहल्ले में बच्चे कुछ आशिक आवारा ऐसी अफवाह फैलाया करते हैं। क्या चाहिए तुझे बिन्नी, और कैसे कैसे दिन दिखाएगी हमको यार? भैया बताइए क्या हुआ मुझे कुछ। भैया अब बात कीजिए, हाथ मत उठाइए। तू बीच में क्यों आ रहा गट्टू? भैया हम प्यार प्यार क्या, हमें नहीं है, पहले मेरी बहन है वो, फिर तेरी। भैया आप जो करना करो यार, वहां बारात आने वाली है। भैया गट्टू क्या हुआ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें आप हमें हम जाए? हाँ जाइए गट्टू। नहीं नहीं हम गए। जाइए प्लीज। क्या हो रहा है बिन्नी? क्या क्या हो रहा है? शादी हो रही है, लगाओ अपना मेकअप। अरे तू चिंता मत कर, पुलिस को तो वापस भेज दिया मैंने, अब ये शादी बराबर होकर रहेगी। नहीं आप समझ नहीं रहे अंकल जी, सब धपीदा का खेल है। पुलिस भी मिली हुई है। अरे पुलिस कैसे मिली जुली होगी? पुलिस 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 लेकिन चल मेरे साथ। आप क्या कर रहे हो? चुप, शोर मत मचा बिन्नी। संभालो भैया। क्या है? बारात आई है दरवाजे पे और पुलिस भी। पुलिस? हाँ धमकियां दे रहे हैं कि लड़की उठवा देंगे। क्या कह रहे हो भैया? देख राहुल गट्टू 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 इस बार कोई रोड़ा ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए यार। खानदान की इज्जत तेरे हवाले कर रहा हूँ, अपनी बहन को कोई ऐसी जगह ले जा जो किसी को खबर ना हो। भैया लेकिन आप बात नहीं समझ रहे, सारी जो है हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज बिन्नी सुन, जो वो बोलेगा तू वही करेगी। जब यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा ना मैं फोन करके बुला लूंगा। चलो निकलो। भैया नहीं, भैया आप प्लीज बात प्लीज बात निकल, शोर ना मचाओ, जाओ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्रेय चवाल शादी के श्रेय तंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब वर वधू को मंगल सूत्र पहनाए। गट्टू क्या कर रहा है, कहाँ लेकर आए? गट्टू गट्टू कहाँ लेकर आया? चलो हमारे साथ। गट्टू प्लीज छोड़, गट्टू गट्टू महेश महेश खड़े खड़े हो बे, आंटी काटो, लो आंटी काटो। अरे लग गई क्या? आंटी काटो बे। तुम दोनों शादी कर रहे हो या भाग रहे हो या कर ली? और आगे से किसको श्राप मत देना, लग जाता है कभी कभी। उस जबान पे जो काला तेल है ना तेजाब डलवा लो इस पे। ओम तदेव लग्नम तदेव तारावदम, ओम तदेव लग्नम तदेव तारावदम। भाई साहब चाय पियेंगे? जहर पियेंगे। बहुत अच्छी लग रही हो बिनी।
ये नाक का। बिन्नी, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि हम दोनों यहाँ से बैठे हैं साथ में। बिन्नी, हमें भी ऐसे लगा था जब जयदेव ने हमें एकदम से पूछ लिया था ना कि क्या चल रहा है भूरे और बिन्नी का। बिन्नी, हमें लगा था कि बात दब जाएगी, पर देखो ना बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमें बोल देना चाहिए था भैया को। बिन्नी, हम मानते हैं हमें हिम्मत नहीं है, पर प्यार बहुत है बिन्नी, बचपन से प्यार है बिन्नी। और तुम यहाँ दुल्हन के जोड़े में हमारे साथ बैठी हो तो मतलब थोड़ा बहुत तो दिमाग भी है ना बिन्नी। और तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारे जैसी हिम्मत भी आ जाएगी। हाँ, बिन्नी, हम जानते हैं इस वक्त तुम हिंदुस्तान के किसी भी लड़के से शादी कर लोगे सिवाय हमारे, कोई भी क्यों ना, ये चाय वाला है क्यों? अच्छा नहीं, चाय 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 वाला नहीं। बिन्नी, तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें एफिल टावर जाना है, तबेले जाना है, या सामने वाले घर में आना है। बिन्नी, हम मानते हमसे गलती हो गई, पर इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। तुम अपना टाइम लो बिन्नी, कोई जल्दी नहीं है हमें। जी अंकल। तू पहुंच गया ना शादी की जगह पे, हम आ रहे हैं अभी बस। नहीं अंकल, वो हमारी बाइक थोड़ी खराब हो गई थी। मोटरसाइकिल खराब हो गई? अरे तू है कित? हम लोग यहाँ ही फाउंटेन पार्क में बैठे हैं। तू वहीं रुक, बहू के साथ हम आ रहे हैं। कितना टाइम लोगी बिन्नी? नहीं नहीं, तुम ओके। दादा, पूरा पार्क देख लिया, लड़की लड़का ना मिले। अरे तो गए कहाँ? भाई जी, यो कुछ बता रहा। गए, तूने एक छोरी को शादी के जोड़े में देखा था? देखा था, साथ में कोई और भी था? एक छोरा था। भग जा, भग। क्राइम का मामला है, मारी बहू को उसके घर वालों ने किडनैप कर लिया है, और साथ में उस बेचारे गट्टू को भी। अंकल जी टेंशन हो गई है, गट्टू का फोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं धप्पी दादा ने उसे। बिन्नी कहाँ है? वो भी गट्टू के साथ ही है। तिरछू पहलवान, हथियार निकालो। एक आदमी बच न पाए। गट्टू कहाँ है? बिन्नी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, बिन्नी और गट्टू कहाँ है? मैं पूछता हूँ, गट्टू और बिन्नी कहाँ है? अरे तो तू रिपीट क्यों कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, गट्टू और बिन्नी कहाँ? पूरे गट्टू और बिन्नी। ओके, शाबाश गट्टू, इधर ले आ तेरी बहन को। अरे वाह, अपनी बहन को इधर ले आ। बहन को इधर लेकर आ गट्टू। नहीं, अपनी बहन को यहाँ ले आ। गट्टू, बहन को इधर ला। गट्टू, अपनी बहन को यहाँ ला। बिन्नी बहन को यहाँ लाओ बेटा। इधर ला तेरी बहन होगी तुम्हारी। और तुम्हारी तुम सबकी, हमारी नहीं है। जबरदस्ती का भाई बना के रखा हुआ है हमें।
15 रक्षाबंधन हो गए हमें मोहल्ले के बाहर लौंडों के साथ छुपते हुए, ये कहीं ये गलती से हमें राखी ना बांध दे। और अब क्या बोलते रहते हैं हमें, क्या बोलते रहते हैं, मोहल्ले की लड़कियां माँ बहन होती हैं, देश की लड़कियां माँ बहन होती हैं। क्यों माँ बहन होती है, जबरदस्ती है कोई हमारी माँ बहन के चक्कर में? हमें एक बात बताइए, ये जो फेरेले की शादी होती है इसका डिवोर्स तो मिल जाता है, पर ये जबरदस्ती राखी बना के जो भाई बना देते हैं इसका डिवोर्स कहाँ होता है? इसके लिए कौन सी कोर्ट है यार? भैया हम रक्षा कर सकते हैं, जरूरी है भाई बन के रक्षा करें, पति भी रक्षा करता है ना भैया। अब एक लौंडा बता दो हमें दुनिया में, एक लौंडा जिसने लड़की को देख के पहली बारी में बोल दिया हो कि मतलब क्या लड़की है ना, काश मेरी बहन होती, एक बता दो हमें। शादी के लिए लड़का ढूंढो, इंपोर्टेड लड़का लाया फ्रांस से, मोहल्ले के लड़कों में फफूंद लगी है क्या? एक बार खिड़की खोल के सामने भी देख लेते, सामने हमारे भी लोकर कच्चे सूख रहे थे। कोई हक नहीं किसी को किसी लड़के को जबरदस्ती भाई बनाने का, कलीजा जलता हम डमी भाइयों का यार। तो ठीक है लौंडा है, पसंद करेगा लड़कियों को, क्यों नहीं करेगा, बायोलॉजिकल है, हार्मोनल है, और पसंद नहीं तो ना बोल दो, ये भाई बनाने का क्या चक्कर है यार? है विन्नी? विन्नी हम और पूरे ब्रह्मांड के सामने छाती ठोक के बोल रहे हैं हम प्यार करते हैं तुम्हें, और बहुत प्यार करते हैं, हमने बचपन से प्यार किया विन्नी, और जिंदगी भर करते रहेंगे, और हमने कोई भाई बोल के दिखाया बस हमें। दिखा दी हिम्मत, यही तो मैं चाहती थी स्टूपिड, आई लव यू। बंदे की बंदाकी नहीं, जहाज कोई आके पड़ा तो भूम दूंगा। वे गट्टू एक बात बोलूं, तेरी इस बात पर ना टच हो गया मैं, हाँ ते कर ले शादी। थैंक यू राहुल। लौंडों ने पानी की टंकी पे जाना छोड़ दिया है, और आसपास के मोहल्ले में भी कोई किसी को भाई बनाने की कोशिश करता है तो लौंडे फट से बोल देते, क्या बोल देते, मैं बहन होगी तेरी। This is a wish refix. Rishi Rich, Jaggy D, you got Raftar. सोच खराब नहीं रखता यार, मेरे घर बार की इज्जत यहाँ से लेकर सात समुंदर पार, मैं तेरे लिए डिशेस बनाऊंगा, ये तो गैपों में ब्रिजेस बनाऊंगा, तेरी सिस मुझे करे बड़ा मिस ब्रो, उसको मैं मिसेस बनाऊंगा। यार जीजा इज लिटिल बिट फेमस बेबी। नजरों से ना तोल मुझे, दिल से काम ले, तू जिसकी वो तेरे बिन क्यों किसी का नाम ले। जानू
तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान तू मेरा मैं तेरी जाने सारा हिंदुस्तान अखबार में निकाला इश्तेहार है निकाला तेरी सिस्टर मेरी जानू को कर डाला अब चटमंगनी पटपट व्या मैं बनू जीजा तू साला मम भी राजी डैड भी राजी फिर तू क्यों करे ब्ला 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 तेरी बहन को छेड़े कोई मैं उसका मोर बना दूंगा रिश्ते की तो कर दे हाँ साले तेरी टोर बना दूंगा